हेलो जुगबानी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी। और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। तो भैया शाम हो गई और लॉगिन कर लेते हैं फटाफट। और बाहर आज भी मौसम बादल वाला, बारिश वाला हो रहा है। बारिश होनी नहीं चाहिए, नहीं तो काम करने में दिक्कत आती है। तो चलो बाहर चलते हैं और बाहर चल के दिखाते हैं आपको हमारी जोमेटो की अर्निंग। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर पिक कर लिया, इसको जल्दी से ड्रॉप करने चलते हैं। तो भाई आ गए हम घर और आज है संडे और आज मैं कर रहा हूँ फुल डे, जिसमें से मैं हाफ डे कर चुका हूँ, शाम को और करूँगा। तो ये संडे वाली फुल डे की वीडियो आपको कल मिलेगी। आज हम आपको बताएंगे हमारी सैटरडे की जोमेटो की अर्निंग। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला ऑर्डर आया 1.25 किलोमीटर से पिक था, लगभग 1.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 40 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 40 रुपये ही मिलते हैं। 19 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी 1.25 किलोमीटर से ही पिक था, लगभग 7.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 77 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 77 रुपये ही मिलते हैं। और ये टाइम पे नोटिस करना, राइट 7 बजे ये मैंने ऑर्डर डिलीवर किया है। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी 5 से ही पिक था, लगभग 8 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था और इस ऑर्डर के हमें 170 रुपये मिलते हैं। ये एक मेरे पास छोटी सी ट्रिक है, जो आप करोगे तो आपको भी इतने ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर मिल जाएगा। वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहो। तो इस ऑर्डर के 170 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 170 रुपये ही मिलते हैं। 35 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी 5 से ही पिक था, लगभग 2.5 किलोमीटर दूर देना था, 51 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 51 रुपये ही मिलते हैं। 20 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी 5 से ही पिक था, लगभग 2.75 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 54 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 53 रुपये ही मिलते हैं। 17 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 4 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 65 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 65 रुपये ही मिलते हैं। 22 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, लगभग 2.25 किलोमीटर दूर से पिक करना था, 5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 72 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 72 रुपये ही मिलते हैं। 29 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 5 से ही पिक था, लगभग 6.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 83 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 83 रुपये ही मिलते हैं। 22 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 4.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 76 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 76 रुपये ही मिलते हैं। 22 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था और 10:51 पर मैं ऑफलाइन चला गया था, क्योंकि 1 घंटे की गिग्स में आपको 50 मिनट देने होते हैं गिग्स कंप्लीट करने में। 10:51 हो चुके थे तो हमने 50 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा ही कर दिया था। मैं घर के पास आ गया था इसलिए ऑफलाइन चला गया। एक ऑर्डर और आ गया, कहीं उल्टी सीधी जगह भेज दिया, लंबा ऑर्डर दे दिया 10-12 किलोमीटर का, फिर वहाँ से खाली आना पड़ेगा, इसलिए मैं ऑफलाइन चला गया 9 मिनट पहले ही। तो शनिवार को हमने 5 घंटे काम किया है, शाम को 6 से 11, और हमारे 9 ट्रिप और 9 ही ऑर्डर होते हैं, जिसकी हमारी टोटल अर्निंग होती है 690 रुपये। 690 रुपये में से 190 रुपये आप हमारे पेट्रोल के लगा लो, तो ऐसे ही करके हमने 500 रुपये की अर्निंग की है कल यानी शनिवार को शाम को 5 घंटे में। तो अब मैं बताता हूँ आपको वो 176 रुपये का ऑर्डर मेरे पास कैसे आया। तो आप अपनी एप्लीकेशन में कभी भी नोटिस करना, जिस भी गिग्स स्लॉट में सबसे ज़्यादा अमाउंट शो हो रहा हो, मेरे गिग्स में 7 से 8 वाला स्लॉट में सबसे ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास 6:30 बजे वो ऑर्डर आया, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था 7 बजने में, 4-5 मिनट थे, मैंने उस ऑर्डर को कस्टमर को डिलीवर तो कर दिया पर उसको कंप्लीट नहीं किया था। मैं 7 बजने का वेट कर रहा था, क्योंकि जैसे ही 7 बज जाते मेरा 7 से 8 वाला स्लॉट शुरू हो जाता जिसमें ज्यादा अर्निंग शो कर रहा था। अगर मैं 2 मिनट पहले कर देता ना, मेरा यही ऑर्डर जो 170 रुपये का है ना, ये कम से कम 100 रुपये पे आ जाता। तो मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि 7 बजे और मैं ऑर्डर कंप्लीट करूँ और 7 बजे मेरा 7 से 8 वाला स्लॉट शुरू हो जाए। तो 7 बजते ही मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। तो आप भी वेट कर ले कि 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 7 बजे वाले स्लॉट में ज़्यादा अर्निंग हो रही है। तो अगर आपने ऑर्डर 2-3 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया है, उसको डिलीवर ना करें, कस्टमर को ऑर्डर दे दें और जैसे ही 7 बजे उसके बाद उसको कंप्लीट करें, डिलीवर करें अपनी ऐप में कि ऑर्डर कंप्लीट।
ताकि आपको 7 से 8 वाले स्लॉट का ऑर्डर मिल सके जिसमें हाई अर्निंग होने के चांसेस हैं, जैसे कि कल मैंने किया और 170 रुपये की हमारी अर्निंग हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको 50-60 रुपये आपकी अर्निंग में बढ़ा सकती हैं। तो इनका ध्यान दो और अपने हिसाब से काम करो और अपना ध्यान रखो। गर्मी बहुत हो रही है भैया, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते किसी शानदार सी वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक के। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश साले सारे मेरे यार, कोई करे कम ते कोई कलाकार, लड़न लड़ौन नू हमेशा तैयार।